हयूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जगाया नया आशावाद। हजूर साहब की सात संगत से रूबरू हुई है विधायक सिरसा। शिरोमणि अकाली दल के विधायक और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की हजूर साहब यात्रा ने स्थानीय सिख समाज में एक नया आशावाद जगाया है। होली हल्ला महिला के समय घटित अप्रिय घटना के बाद निर्दोष सिखों की धरपकड़ और बार बार उनकी जमानत अर्जियों पर तारीख बढ़ाए जाने की घटनाओं के प्रति विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने 20 जुलाई की सुबह तखत सचखंड श्री हजूर साहब में माथा टेका और नांदेड़ परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर निसार तांबोली से मुलाकात कर चर्चा की, जिसके बाद हजूर साहब के बहुत से परिवारों में आशावाद जागा है। श्री सिरसा ने कल मुंबई में भी गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की थी। विधायक सिरसा का तखत सचखंड श्री हजूर अपचनगर स्थान पर सुबह 11 बजे आगमन हुआ। तखत साहिब के दर्शन के पश्चात उन्होंने जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वालों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। पश्चात विधायक सिरसा ने सिख समाज की महिलाओं के शिष्टमंडल से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। होली हल्ला महिला की घटना के बाद पुलिस विभाग द्वारा दर्ज FIR में बहुत से लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उन्हें विगत 3 माह से जमानत नहीं मिल रही है, ऐसा महिलाओं ने श्री सिरसा को बताया। अपने जीवन च ऐसा कोई काम याद नहीं आता जो निपरे ना चलिया। गुरु साहब नाम नहीं करते अगली गल बोल रही है, मेरे भोली कलिया भी नहीं करो। आप सारे ने देखा रात पूरे देश अंदर की कुछ हो जाता, जो डॉक्टर जे जो देश के अंदर वैसे वेस्ट हुई है वो सारा आज से शुरू कर दिया। और अभी हम पहले अभी IG से मिलते हैं, ये जो एक दो अलग अलग केस हैं, इसमें एक वो है जो एविडेंस के साथ दिख रहे हैं लड़ाई करते हैं झगड़ा करते हैं, एक वो केस है। हाँ तो वो उसके ऊपर एक्शन लेना। दूसरा वो है जो कहीं दिख नहीं रहे केस से बात करें, तो तीन अलग अलग केस हैं। अब ऐसा है तीनों बातों में हमारी यही बात है आगे से, जो वो बातें हैं जिनका कोई बात का वास्ता नहीं है, जैसे घर के मुख्य कर्ता कमाऊ पुरुष और नौजवान लड़कों पर आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण बहुत से सिख परिवार इस समय पीड़ित है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के कर्मचारियों के नाम भी FIR में शामिल है, जिनकी ड्यूटी के ऑर्डर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा होली हल्ला महिला के समय जारी किए गए थे। श्री सिरसा से बातचीत करते समय महिलाओं की आंखों से दर्द छलक उठा। विधायक सिरसा द्वारा शीघ्र जमानत करवाने के आश्वासन दिए गए। विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार सरबजीत सिंह विरक, सरदार इंदरजीत सिंह मोंटी, सरदार विक्रम सिंह रोहिणी, गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व प्रधान सरदार लड्डू सिंह महाजन, सरदार जसपाल सिंह लांगरे, सरदार अवतार सिंह पहरेदार, सरदार जसबीर सिंह बुंगाई, सरदार सुखविंदर सिंह हुंदल, सरदार तेजपाल सिंह खेड़, सरदार कश्मीर सिंह भट्टी, सरदार लड्डू सिंह काटगर, सरदार प्रेमजीत सिंह टेलर, एडवोकेट अमनपाल सिंह कामटेकर, गुरुद्वारा अधीक्षक सरदार गुरविंदर सिंह वाधवा, सरदार केहर सिंह, सरदार दुलिंदर सिंह संधु सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के DGP और महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र के महानिरीक्षक डॉक्टर निसार तांबोली से हुई आज की चर्चा को सकारात्मक बताया। श्री सिरसा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। अगले एक सप्ताह में सिख नौजवानों की जमानतें हो जाएंगी, ऐसा आशावाद श्री सिरसा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे लेकर हजूर साहिब में फिलहाल राहत की सांस ली गई है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।